today's lecture we have to learn the pharmaceutical suspension. This is the sixth chapter which is included in your syllabus, that is pharmaceutical suspension. This is biphasic liquid dosage form which is included in your pharmaceutic second syllabus. Okay, in the previous lecture we have to learn the definition, then after that there are some of the advantage, then the disadvantage also is given here in the slides. After that the good qualities of suspension, आइडियल गुड क्वालिटीज, मतलब जो एक सस्पेंशन हम बनाते हैं उसकी क्या क्वालिटी रहनी चाहिए और वो कैसे होने चाहिए, वो एक हमने स्टडी कर लिए थे. उसके बाद क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया था कि उसके ओरल सस्पेंशन, पैरेंट्रल सस्पेंशन, ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन एंड एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन, ऐसे चार टाइप है क्लासिफिकेशन के अंदर सस्पेंशन के. ओके, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन देख लिए थे, उसके बाद टाइप, सस्पेंशन के टाइप होते हैं दो टाइप, दो तरह के टाइप होते हैं. क्लासिफिकेशन अलग है, सस्पेंशन के टाइप अलग है. क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, एक ओरल सस्पेंशन होता है, दूसरा पैरेंट्रल सस्पेंशन होता है, तीसरा ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन होता है और चौथा एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इंटरेस्टिंग है वो फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है. वो एक सस्पेंशन के टाइप बोलेंगे हम. तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में. तो फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड का हमने नेक्स्ट लेक्चर में देख लिए थे क्या होता है दोनों का डिफरेंस. उसके बाद आज के लेक्चर में हमने फॉर्मुलेशन क्या है, जैसे कि हमने सिरप के अंदर देखे थे सिरप, इलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ये जो प्रिपरेशन थे मिक्सचर, इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन था, जैसे कि एक व्हीकल्स बोलेंगे, उसके बाद एडजुवेंट्स बोलेंगे. व्हीकल के अंदर हमने कौन सा व्हीकल यूज़ करना है, वाटर लेना है, अल्कोहल लेना है और कुछ जो अलग ऑयल लेना है हमने व्हीकल, ये एक व्हीकल होता है, वो हमने क्या लेना है इस प्रिपरेशन के अंदर, वो एक देखा था हमने. एज अ व्हीकल हमने वाटर लेना है, क्या क्या लेने का है. उसके बाद एडजुवेंट्स देखा था हमने. एडजुवेंट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि केमिकल स्टेबलाइजर होता है, देन उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट होता है, कलरिंग एजेंट होते हैं, ऑल ऑफ दिस जो प्रिजर्वेटिव एजेंट, ये सब इंक्लूडेड किया जाता है एडजुवेंट्स के अंदर, विच इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ और इम्प्रूव द इफिकेसी स्टेबिलिटी ऑफ दिस फॉर्मुलेशन. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू लर्न द फॉर्मुलेशन. ओके, आफ्टर दैट इन द टुडेज लेक्चर वी हैव टू डिस्कस द फॉर्मुलेशन. इन दैट फॉर्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन देर आर some of the agent which is included in the formulation. First is wetting agent, second is flocculating agents, then third is thickening agent, then the fourth is preservative, then buffer or buffering agent, then coloring agent, flavoring agent, sweetening agent, which is included in the formulation of suspension. Okay, so let's see one by one all of these formulation which is related to suspension. Okay, first wetting agent. Wetting agent kya hota hai wo dekh lete hain. गया है कि वेटिंग एजेंट में क्या होता है कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम, दस प्रोड्यूसिंग ए सस्पेंशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी. पर क्या बताया गया है कि जो एक वेटिंग एजेंट होता है ये सस्पेंशन के अंदर मस्ट है, ये डालना ही पड़ता है हमने सस्पेंशन के अंदर. और वेटिंग एजेंट हम इसलिए डालते हैं कि जो इंटरफेशियल जो टेंशन होता है और जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, इंटरफेशियल जो टेंशन होता है जो कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो इंटरफेशियल टेंशन निर्माण होते हैं ते कमी करण्यासाठी किंवा रिड्यूस करण्यासाठी किंवा डिक्रीज करण्यासाठी आपण वेटिंग एजंट सस्पेंशनमध्ये टाकतो. जसं की आपण बघितलेलं आहे सस्पेंशन एक बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे, याच्यामध्ये आपण लिक्विड आणि सॉलिड पार्टिकल डिझॉल्व करतो आणि ते जे सॉलिड पार्टिकल असतात ते त्या सोल्यूशनमध्ये किंवा ते व्हीकलमध्ये ते जास्त डिझॉल्व नसतात, ते पार्टिकल्सची रेंज आपल्याला तशीच दिसणार आहे. जसं की आपण बघितलेलं आहे की 0.5 to 5 micron हे पार्टिकल, सॉलिडचे पार्टिकल रेंज आहे. ते सॉलिड पार्टिकल जे इन्ग्रेडियंट आहेत, जे ॲक्टिव्ह मेडिकामेंट आहेत, त्या सोल्यूशनमध्ये ते तसंच दिसणार आहेत आपल्याला, किंवा ते तसंच सेटल डाऊन होणार आहेत, खाली सेटलमेंट होणार आहे त्यांची सॉलिड पार्टिकल्सची. त्यामुळे काय होणार आहे की त्या सॉलिडचं आणि त्या लिक्विडमध्ये एक
का इंटरफेशियल टेंशन होना है कि एक सर एक बैरियर कि एक मिक्स होना नहीं तैटी स्मूथली मिक्स वहाव ते सॉलिड पार्टिकल्स त्या व्हीकल मध्ये इजीली मिक्स होव त्यासाठी वेटिंग एजंट आपण टाकणार आहेत जेणेकरून वेटिंग एजंट आपण त्या सोल्यूशन मध्ये टाकलं तर ते सॉलिड आणि लिक्विड मध्ये कॉम्बिनेशन होऊन ते एकमेकात मिक्स होतील व्यवस्थित एकमेकात ते डिझॉल्व होतील त्यासाठी आपण वेटिंग एजंट टाकणार आहेत. दीज आर द सबस्टन्सेस विच रिड्यूस द ते काय करणार आहेत इंटरफेशियल जे टेन्शन आहे जे त्याच्यामध्ये बॅरियर आहे किंवा जे मिक्स होणार नाहीत सॉलिड पार्टिकल्स व्हीकलमध्ये त्यासाठी आपण वेटिंग एजंट ॲज अ वेटिंग एजंट म्हणून त्या सस्पेन्शनमध्ये टाकणार आहेत जेणेकरून ते इंटरफेशियल टेन्शन रिड्यूस करणार आहेत कशामधलं सॉलिडमधलं आणि लिक्विडमधलं सर इंटरफेशियल टेन्शन रिड्यूस करणार आहे. कोण रिड्यूस करणार आहे वेटिंग एजंट काय करणार आहेत वेटिंग एजंट जे आहेत ते काय करणार आहेत इंटरफेशियल टेन्शन जे आहे ते रिड्यूस करणार आहेत thus producing a suspension for or of required quality. Okay, suspension एक good suspension आपण सस्पेन्शनमध्ये आपण वेटिंग एजंट टाकल्यानंतर एक गुड सस्पेन्शन आपल्याला फॉर्म्युलेशन मिळेल. त्यानंतर वेटिंग एजंटचे एक्झाम्पल बघूयात आपण अल्कोहोल आहेत ट्रगकॅन्त आहे ट्रगकॅन्त म्युसेलेज आहे देन ग्लिसरीन आहे सोडियम अल्जिनेट आहे देन बेंटोनाइट डिस्पर्शन अँड पॉलिसॉर्बेट इन ओरल अँड पॅरेंट्रल सस्पेन्शन. ओके सम ऑफ दिस एक्झाम्पल ऑल्सो गिवन इन दिस स्लाइड दॅट इज अल्कोहोल ट्रगकॅन्त म्युसेलेज ग्लिसरीन सोडियम अल्जिनेट बेंटोनाइट dispersion and polysorbate in oral and parenteral suspension. Okay, these are the examples of wetting agent which is added in the formulation of suspension. Okay, तो वेटिंग एजेंट समझ में आएगा आ गया आपको क्या होता है वेटिंग एजेंट जो सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको रिड्यूस करता है वेटिंग एजेंट इसलिए हमने वेटिंग एजेंट सस्पेंशन के अंदर डालना होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट. ओके फ्लॉक्यूलेटिंग जैसे कि हमने देखे कि फ्लॉक्यूल्स प्रिपेयर होते हैं सोल्यूशन के अंदर और सस्पेंशन के अंदर तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं हमने सस्पेंशन के अंदर फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट मस्ट है मतलब क्या समझ में आता है आपको रिक्वायर्ड है आपको डालना है फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट सस्पेंशन के अंदर. तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेल डिस्पर्सड इन अ डिस्पर्शन मीडियम दैट इज व्हीकल. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो फ्लॉक्यूल्स मतलब जे खाली एक असे खाली थर जमा होता है किंवा खाली सेटलमेंट होती पार्टिकल्सची सॉलिड पार्टिकल्सची त्याला आपण फ्लॉक्यूल्स असे म्हणणार आहेत किंवा ते सॉलिड पार्टिकल्स एकत्र होऊन असं घट्ट खाली जमणार आहे तर त्याला आपण फ्लॉक्यूल्स असे म्हणणार आहेत आणि त्या फ्लॉक्यूल्सला आपल्याला कमी करायचं किंवा ते रिडिस्पर्स व्हावे इझिली जेव्हा आपण चेक करूयात तेव्हा ते फ्लॉक्यूल्स रिडिस्पर्स व्हावे त्यासाठी आपण फ्लॉक्युलेटिंग एजंट त्याच्यामध्ये सस्पेन्शनमध्ये टाकणार आहेत. द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेल डिस्पर्सड इन द डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्सड म्हणजे काय म्हणता येईल की त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आपल्याला आणि डिस्पर्शन मीडियम म्हणजे जे व्हीकल आपण घेतलेलं आहे जे व्हीकल आपण ॲज अ व्हीकल म्हणून घेतलेलं आहे वॉटर लिक्विड जे पण लिक्विड आपण घेतलेलं आहे ॲज अ व्हीकल म्हणून त्याच्यामध्ये आपल्याला सॉलिड पार्टिकल्स डिझॉल्व करायचे आहेत त्याला डिस्पर्सड असे म्हणणार आहेत आपण डिस्पर्सड असे म्हणूयात आणि डिस्पर्शन मीडियम म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला की जे लिक्विड आपण घेतलेलं आहे ॲज अ व्हीकल म्हणून त्याच्यामध्ये आपण सॉलिड पार्टिकल डिझॉल्व करणार आहेत त्याला आपण ॲज अ डिस्पर्शन मीडियम असं म्हणूयात ॲज अ व्हीकल म्हणून. ओके त्या डिस्पर्शनमध्ये आपल्याला फ्लॉक्युलेटिंग एजंट ॲड करायचं आहे जेणेकरून त्याची कॅपॅसिटी किंवा जे विस्कोसिटी जे आहे त्या सस्पेन्शनची इम्प्रूव्ह होण्यासाठी किंवा इझिली ते रिडिस्पर्स व्हावं त्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये फ्लॉक्युलेटिंग एजंट टाकणार आहेत. डिस्पर्शन कॅन बी इम्प्रूव्ह बाय ॲडिंग सर्फॅक्टंट अँड प्रोटेक्टिव्ह कोलॉइड्स विच ॲक्ट ॲज अ फ्लॉक्युलेटिंग एजंट. जसं की हमने देखा था प्रिवियस लेक्चरमध्ये डिस्पर्शन मीडियम जो होता है उसके अंदर हमने सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करना होता है उससे क्या हो जाएगा कि फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट हमने ऐड करने के बाद उसकी जो कैपेसिटी सर्फैक्टेंट जो है एज अ डिस्पर्शन मीडियम है इजीली इंप्रूव हो जाएगी उसकी कैपेसिटी और विस्कोसिटी. तो सर्फैक्टेंट डिस्पर्शन कैन बी इंप्रूव्ड बाय डिस्पर्शन जो मीडियम है जो व्हीकल है उसकी कैपेसिटी और उसकी मीडियम जो है कैसा इंप्रूव करेंगे बाय एडिंग फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट्स सच एज सर्फैक्टेंट और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. जो भी सर्फैक्टेंट है जो कि इंटरफेशियल टेंशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स और व्हीकल के अंदर जो इंटरफेशियल टेंशन होता है जो कि वो मिक्स नहीं होते इजीली अच्छे से उसके अंदर मिक्स नहीं होते तो अच्छे से मिक्स होने के लिए इजीली वो डिजॉल्व होने के लिए सॉलिड पार्टिकल्स व्हीकल के अंदर उसके लिए हमने सर्फैक्टेंट ऐड करना है और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स उसके अंदर और उसे क्या बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स से बोलेंगे सर्फैक्टेंट को ही
वो हमने सस्पेंशन के अंदर ऐड करना है, जेने करूँ जो डिस्पर्शन मीडियम और जे सस्पेंशन अपन बनवना रहे तेजी कैपैसिटी किंवा त्याची विस्कोसिटी आपल्याला इम्प्रूव करता येईल, किंवा व्यवस्थित आपल्याला ते फॉर्म्युलेशन बनवण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये फ्लॉक्युलेटिंग एजंट ॲज अ सर्फॅक्टंट और प्रोटेक्टिव्ह म्हणून प्रोटेक्टिव्ह कोलाइड्स म्हणून आपण सस्पेन्शनमध्ये किंवा सोल्युशनमध्ये आपण टाकणार आहेत. त्यानंतर फ्लॉक्युलेटिंग एजंट ॲक्ट बाय जो फ्लॉक्युलेटिंग जे एजंट्स असतात त्याला आपण काय म्हणता येईल ते, किंवा ते काय करतात, रिड्यूसिंग द सर्फेस टेन्शन. ओके, जे सर्फेस टेन्शन आहे ते सर्फेस टेन्शन कमी करतं आणि जे सॉलिड पार्टिकल आहे ते व्हीकलमध्ये इझिली मिक्स होतं आणि त्यानंतर देअर बाय इम्प्रूविंग द डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड्स अँड मिनिमाइज द फ्लॉक्युलेशन. आणि जे जे काय करतं, इम्प्रूव डिस्पर्शन जे सॉलिड पार्टिकल आहे जे मीडियम आहे ते त्याची काय करतं, इम्प्रूव करतं. डिस्पर्शन जे मीडियम आहे त्याची विस्कोसिटी ते इम्प्रूव करतं सॉलिड पार्टिकल्स त्या सोल्यूशनमध्ये किंवा ते व्हेकलमध्ये इझिली ते डिस्पर्शन मीडियममध्ये मिक्स होतात असं आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर आपण इथे म्हणूयात की जे फ्लॉक्युल्स निर्माण होतात किंवा जे घट्ट असं खाली थर जमणार आहे ते थर जमणार नाही किंवा जर जमलं तरी हार्ड केक फॉर्म होणार नाही, त्यासाठी आपण फ्लॉक्युलेटिंग एजंट टाकणार आहे जेणेकरून जेव्हा आपण शेक करणार आहे त्या सस्पेन्शनला तर ते इझिली रिडिस्पर्स, त्याचे जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ते रिडिस्पर्स होतील त्या फॉर्म सोल्युशनमध्ये. तर आपल्याला असं म्हणता येईल की देअर बाय इम्प्रूविंग द डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड्स अँड मिनिमाइज द फ्लॉक्युलेशन बाय ॲडिंग द फ्लॉक्युलेटिंग एजंट ॲज अ सर्फॅक्टंट ओके इन द फॉर्म्युलेशन ऑफ सस्पेन्शन. ओके, सम ऑफ द एक्झाम्पल इज गिवन हियर, दॅट इज सोडियम लॉरिल सल्फेट, ओके, ट्विन्स, स्पान्स, कार्बोवॅक्सेस अँड इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी एक्झाम्पल ऑफ फ्लॉक्युलेटिंग एजंट. ओके, वॉट इज दिस सोडियम लॉरिल सल्फेट, ट्विन्स, स्पान्स, कार्बोवॅक्सेस अँड इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी एक्झाम्पल ऑफ फ्लॉक्युलेटिंग एजंट्स. ओके, फर्स्टली वी हॅव टू डिस्कस द वेटिंग एजंट, देन सेकंड इज फ्लॉक्युलेटिंग एजंट, आफ्टर दॅट थर्ड इज थिकनिंग एजंट. ओके, थिकनिंग एजंट इज थर्ड टाइप और थर्ड फॉर्मुलेशन रिलेटेड इन द सस्पेंशन. ओके, अब इसके अंदर थिकनिंग जो एजेंट हमने ऐड करना है सस्पेंशन के अंदर, तो इसका सब क्लासिफिकेशन है. तो उसके अंदर फर्स्ट थिकनिंग एजेंट के अंदर, तो उसके अंदर फर्स्ट देख लेते हैं थिकनिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन. फर्स्ट है पॉलीसैक्राइड्स. पॉलीसैक्राइड्स के अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल पॉलीसैक्राइड होता है, उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीसैक्राइड होता है. जो नेचुरल हम पॉलीसैक्राइड बनाते हैं, नेचुरली जो प्रिपेयर होता है, नैसर्गिक जे आपल्याला मिळणार आहे त्याला आपण नॅचरल पॉलीसॅक्राइड असं म्हणूयात. जे सेमी सिंथेटिक म्हणजे जे आपण प्रिपेअर करणार आहे, जे बनवणार आहेत स्वतः सॅक्राइड पॉलीसॅक्राइड, त्याला आपण सेमी सिंथेटिक पॉलीसॅक्राइड असे म्हणणार आहेत. पॉलीसॅक्राइड एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन आहे थिकनिंग एजंटचं. त्याच्यामध्ये दोन सब टाईप आहेत, फर्स्ट आहे नॅचरल पॉलीसॅक्राइड आणि सेकंड आहे सेमी सिंथेटिक पॉलीसॅक्राइड. ओके, जे सेकंड त्याच्यामध्ये पॉलीसॅक्राइडमध्ये जे फर्स्ट आपण पाहूयात ते नॅचरल पॉलीसॅक्राइड, त्याच्यामध्ये गम आकाशिया आहे, ट्रगकॅन्थ आहे, स्टार्च आहे, सोडियम अल्जिनेट आहे. दिस इज यूज्ड ॲज अ थिकनिंग एजंट. गम आकाशामध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की इट इज अ गुड प्रोटेक्टिव्ह कोलॉइड किंवा सर्फॅक्टंट म्हणता येईल आपल्याला, जे की इंटरफेशियल जे टेन्शन असतं सॉलिड पार्टिकल आणि व्हेकलमध्ये ते रिड्यूस करतं ॲज अ सर्फॅक्टंट और प्रोटेक्टिव्ह कोलॉइड म्हणून आपण त्याला म्हणता येईल. त्यानंतर ॲज अ गम आकाशिया आपण त्याला काय म्हणूयात की ॲज अ थिकनिंग एजंट असं म्हणूयात. इट इज गम आकाशिया इज यूज ॲज अ थिकनिंग एजंट. इट इज यूजफुल इन अ मिक्सचर कंटेनिंग द रेझिनस टिंक्चर. इट इज मोर इफेक्टिव वेन इट इज यूज ॲज अ कंपाउंड ट्रगकॅन्थ पाउडर. अब इसके अंदर गम आकाशिया के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल बताएंगे कि कंपाउंड ट्रगकॅन्थ पाउडर कंटेन आकाशिया 20%, ट्रगकॅन्थ दॅट इज 15%, स्टार्च दॅट इज 20%, सुक्रोज ऑल्सो हियर गिवन हियर दॅट इज यूज ॲज अ नॅचरल थिकनिंग एजंट ऑर नॅचरल पॉलीसॅक्राइड कॉल्ड ॲज अ ऑर कॅटेगरी यूज ॲज अ थिकनिंग एजंट. ओके, आफ्टर दॅट देन नेक्स्ट इज ट्रगकॅन्थ. इट इज अ बेटर थिकनिंग एजंट दॅन आकाशिया. आकाशिया से अच्छा बेटर थिकनिंग एजंट आहे ट्रगकॅन्थ. इट इज अ यूज ॲज अ कंपाउंड ट्रगकॅन्थ पाउडर. अभी हे जो ट्रगकॅन्थ हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था मिक्सचर के अंदर,
कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर था, ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज, उसी तरह से एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के हमने कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर और ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज यूज़ करना है फॉर्मुलेशन के अंदर, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर. ओके, ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज इज यूज व्हेन द व्हीकल इज वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर. अब हमने मिक्सचर के अंदर स्टडी करते हुए देखा था कि ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज यूज़ किया करते हैं हम एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के. तो जैसे कि व्हीकल हमने वाटर और क्लोरोफॉर्म लेना है, वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर हमने एज अ व्हीकल बोल के लेंगे, तो तभी हमने ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज उसके अंदर एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के ऐड करना है. ओके, तो ये था एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के गम आकाशिया ट्रगाकैंथ. उसके बाद स्टार्च, स्टार्च इज समटाइम यूज इन विथ अदर सस्पेंडिंग एजेंट्स और थिकनिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द हाई विस्कोसिटी ऑफ इट्स म्यूसिलेज. स्टार्च की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, म्यूसिलेज फॉर्म करता है जल्दी से वो. इट इज़ एन इंग्रेडियंट ऑफ कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर. इस अब कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर के अंदर भी स्टार्च म्यूसिलेज बोल के हम ऐड करते हैं. तो ये था एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के हमने यूज़ किया है इसका. उसके बाद देख लेते हैं हम क्या है नेक्स्ट, सोडियम अल्जिनेट. ओके, सोडियम अल्जिनेट जो होता है इट फॉर्म्स अ विस्कस सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्वड इन अ वाटर. अब ये सोडियम अल्जिनेट हमने थिकनिंग एजेंट बोल के लेना है सॉल्यूशन के अंदर और सस्पेंशन के अंदर, तो ज़्यादा विस्कस होता है ये. इट फॉर्म्स अ विस्कस सॉल्यूशन फॉर्म करता है व्हेन डिजॉल्वड इन अ वाटर. जब वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो विस्कस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. 1% सॉल्यूशन हैव द सेम सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट पावर एज द ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज. और इसको थिकनिंग 1% सॉल्यूशन में और 1% मतलब 1 ग्राम डालना है हमने ऐसा. 1% सॉल्यूशन में हमने प्रिपेयर करना है एज अ थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट बोल के. थिकनिंग और सस्पेंडिंग एजेंट एक जैसे ही होता है, तो एज अ थिकनिंग एजेंट 1% सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो क्या करेंगे 100 ml वाटर लेंगे, उसके अंदर 1 ग्राम थिकनिंग एजेंट एज अ सोडियम अल्जिनेट डालेंगे. ओके, तो वो हो गया सोडियम अल्जिनेट का 1% सॉल्यूशन. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज पॉलीसेक्राइड, दैट इज सेमी सिंथेटिक विच इज इंक्लूडेड इन अ पॉलीसेक्राइड्स. फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीसेक्राइड, सेकंड इज सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड. इसके अंदर क्या होता है कि सेमी सिंथेटिक के अंदर मिथिल सेल्यूलोज होता है, सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज होता है, देन माइक्रो क्रिस्टोलाइन सेल्यूलोज. ओके, सेमी सिंथेटिक में पॉलीसेक्राइड जो होता है वो मिथिल सेल्यूलोज. फर्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ अ जनरली यूज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5 to 2% थिकनिंग. इसका जो थिकनिंग एजेंट हमने यूज़ करना है फॉर्मुलेशन के अंदर, तो कितना यूज़ करेंगे 0.5 to 2% हमने एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के सोल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर यूज़ करना है. ओके, उसके बाद सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज. सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना करना है हमने, कितना ग्राम इसको यूज़ करना है, 0.25 to 1% एज अ थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट बोल के हमने एज अ पाउडर इसमें फॉर्मुलेशन में एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के यूज़ करना है. तो नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम वुड सेल्यूलोज से प्रिपेयर किया जाता है. वुड सेल्यूलोज से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज प्रिपेयर किया जाता है बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस. एसिड हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से वुड सेल्यूलोज से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज प्रिपेयर किया जाता है. एज इट इज़ यूज एज अ थिकनिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सोल्यूशन और सस्पेंशन. ओके, आफ्टर ये था पॉलीसेक्राइड्स. फर्स्ट हमने देख लिए पॉलीसेक्राइड एज अ थिकनिंग एजेंट के अंदर, इसका बड़ा सा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर. फर्स्ट हमने देख लिया था पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड में नेचुरल पॉलीसेक्राइड है उसके अंदर उसके बाद उसके सब एग्जांपल है जैसे कि गम आकाशिया ट्रगाकैंथ स्टार्च, देन उसके बाद सोडियम अल्जिनेट, देन नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड, उसके अंदर मिथिल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज और माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनऑर्गेनिक एजेंट्स. इनऑर्गेनिक एजेंट्स के अंदर फर्स्ट था पॉलीसेक्राइड्स थिकनिंग एजेंट के अंदर, सेकंड है इनऑर्गेनिक अल्जिनेट्स, उसके अंदर क्ले है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है. क्ले एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के हमने यूज़ करते हैं हम. तो उसके अंदर क्ले के अंदर क्या बताया कि बेंटोनाइट और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज वेरी कॉमनली यूज एज अ थिकनिंग. क्ले के अंदर बेंटोनाइट और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के. बेंटोनाइट इज वेरी पेल बफ और क्रीमी हाइग्रोस्कोपिक पाउडर रहता है. बेंटोनाइट का पेल कलर में, पेल बफ कलर में होता है और क्रीमी होता है. हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ये पाउडर. जैसे भी हम उसको खुले में रख देंगे और ऐसा एनवायरनमेंट में रख देंगे तो विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ओके, आफ्टर दैट
2% सस्पेंशन इज यूज फॉर सस्पेंडिंग इंडिफिजिबल सॉलिड्स इन एक्सटर्नल प्रिपरेशन सच एज कैलामाइन लोशन के अंदर अगर हमने प्रिपेयर करना है 2% तो 2 ग्राम बेंटोनाइट का और एज ए क्ले बोल के हमने थिकनिंग एजेंट बोल के इसके अंदर डालेंगे तो ये हो गया इनऑर्गेनिक एजेंट्स दैट इज क्ले. देन उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देखेंगे इट इज़ यूज एज अ सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग बेरियम सल्फेट कैलामाइन सल्फोनामाइड एंड सल्फर. दिस इज यूज एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ थिकनिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. ओके ये सब जो आप देख रहे हैं थिकनिंग एजेंट है कितने ये इसके अंदर पॉलीसेक्राइड फर्स्ट देख लिए थे हमने एज अ थिकनिंग एजेंट इसके अंदर 2 टाइप थे. उसके बाद इनऑर्गेनिक देख लिए उसके अंदर क्ले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. उसके बाद आप सिंथेटिक देख लेते हैं हम सिंथेटिक में क्या क्या हो क्या क्या एग्जाम्पल है. सिंथेटिक में क्या क्या है एक फर्स्ट है कार्बोमर है. देन उसके बाद कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है 2 टाइप के इसके अंदर सिंथेटिक जो थिकनिंग एजेंट हमने सस्पेंशन के अंदर यूज़ करना होता है वो फर्स्ट देख लेते हैं. सिंथेटिक के अंदर कार्बोमर के अंदर देख लेते हैं तो इट इज़ यूज एज अ थिकनिंग एजेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन 0.1 to 4% लेना है हमने 0.1 to 0.4 ग्राम हमने हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करना है एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के कार्बोमर. उसके बाद नेक्स्ट है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इट इज़ अ वाइट नॉन ग्रिटी पाउडर एंड एक्ट एज अ सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट इन द फॉर्मूला इन द कॉन्सेंट्रेशन 0.5 to 4%. तो कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट एंड इट इज़ यूज एंड इट यूज इन अ 1.5 to 4 ग्राम इन द सोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन. ओके एज अ सिंथेटिक एजेंट. तो एक बार ओवरलुक कर लेते हैं थिकनिंग एजेंट के अंदर देख लिए इसका क्लासिफिकेशन थिकनिंग एजेंट का एक पॉलीसेक्राइड है दूसरा इनऑर्गेनिक एजेंट है तीसरा सिंथेटिक है. तो फर्स्ट देख लेते हैं हम पॉलीसेक्राइड के अंदर फर्स्ट सब टाइप है उसका नेचुरल पॉलीसेक्राइड. उसके अंदर फर्स्ट है गम आकाशिया एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड. प्रोटेक्टिव कोलॉइड मतलब एज अ सर्फेक्टेंट ऐसे बोलेंगे और सर्फेक्टेंट मतलब जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है सॉलिड और लिक्विड के अंदर उसे सर्फेक्टेंट और प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐसे बोलेंगे. एंड अ सस्पेंडिंग एजेंट ये जो गम आकाशिया है ये सर्फेक्टेंट और सस्पेंडिंग एजेंट बोल के ऐड करता है. सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट एक जैसे होता है. देन इट कंटेन्स रेजिनस टिंक्चर. रेजिनस टिंक्चर के अंदर भी हम गम आकाशिया एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के डालते हैं. मोर इफेक्टिव वेन यूज इन द कंपाउंड ड्रगाकेंट पाउडर. कंपाउंड ड्रगाकेंट पाउडर में भी हम गम आकाशिया एज अ थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं. कंटेन एंजाइम ऑक्सीडेज विच विल कॉज अ डिटोरिएशन ऑफ मेडिकामेंट. इट कंटेन ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेज विच विल कॉज डिटेरिएशन ऑफ द मेडिकामेंट. तो ये एग्जाम इसके अंदर जब गम आकाशीय हम यूज़ करने वाले हैं एज अ थिकनिंग एजेंट तो जो एंजाइम इसके अंदर होता है उसको क्या बोलेंगे एंजाइम ऑक्सीडेज प्रोड्यूस होता है उसके अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेडिकामेंट है उसका डिटोरिएशन नहीं होता और होने से बच जाएगा ऐसा बोला है यहाँ पर. इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन द रिक्वायर्ड टू ऐड एज अ प्रिजर्वेटिव बल्कि भी हमने गम आकाशीय ऐड करना है. देन उसके बाद देख लेते हैं ट्रोगाकैंथ देख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट देखा था हमने गम आकाशिया उसके बाद ट्रोगाकैंथ है बेटर थिकनिंग एजेंट है. देन आकाशिया से अच्छा थिकनिंग एजेंट साबित होता है ये. उसके बाद कंपाउंड ट्रोगाकैंथ पाउडर और ट्रोगाकैंथ म्यूसुलेज 2 टाइप होते हैं ट्रोगाकैंथ के अंदर. एक तो पाउडर होता है ट्रोगाकैंथ का दूसरा म्यूसुलेज होता है. तो पाउडर के अंदर हम देख लेते हैं कंटेंट 20 इसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है ट्रोगाकैंथ पाउडर के अंदर क्या क्या रहता है 20% आकाशिया होता है 15% ट्रोगाकैंथ होता है और 20% स्टार्च होता है एंड रेस्ट सुक्रोज. द पोर्शन ऑफ 2 ग्राम एंड 100 ml ऑफ द मिक्सचर इसके अंदर मतलब 2 ग्राम ऐड करना है हमने 100 ml मिक्सचर के अंदर. जैसे मैंने बनाया 2% सोल्यूशन हमने बनाना है 2%. तो 2% बोले तो क्या बोलेंगे 100 ml मिक्सचर के अंदर और सोल्यूशन के अंदर हमने 2 ग्राम ट्रोगाकैंथ पाउडर ऐड करना है. ओके तो उसके बाद यूज वेन द व्हीकल इन इसको ट्रोगाकैंथ पाउडर हमने कब यूज़ करना है एज हमने व्हीकल लिया वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर तो तब हमने ट्रोगाकैंथ वाटर एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के उसके अंदर ऐड करना है. देन ट्रोगाकैंथ म्यूसुलेज देख लेते हैं हम. प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर
तब हमने इसका मिक्सचर बनाना है, प्रोपोर्शन 1/4 वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर के अंदर ट्रोगा कैन म्यूसिलेज बनाना है हमने। म्यूसिलेज कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वाटर लेंगे उसके अंदर ट्रोगा कैन डालेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे और उसका म्यूसिलेज प्रिपेयर करेंगे, तो वो हो गया ट्रोगा कैन म्यूसिलेज। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि 1/4 वॉल्यूम लेना है हमको वॉल्यूम एज अ व्हीकल बोल के, वाटर व्हीकल, उसके बाद ट्रोगा कैन म्यूसिलेज उसके अंदर ऐड करना है और थिकनिंग एजेंट बोल के, तो यूज वेन द व्हीकल। अब ये ट्रोगा कैन म्यूसिलेज हमने कब ऐड करना है, जब हमारा व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर होगा तब। ऊपर में क्या लिखा रहा था, अदर देन सॉरी ऊपर जो कंपाउंड ट्रोगा कैन पाउडर था वहाँ पर हमारा व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म नहीं होगा तो तब हमने ट्रोगा कैन पाउडर ऐड करना है एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के। और हमारा ट्रोगा कैन म्यूसिलेज क्या हमने ऐड करना है कब, जब हमारा व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर होगा तब हमने ट्रोगा कैन म्यूसिलेज एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के सोल्यूशन और सस्पेंशन में ऐड करना है। ओके, उसके बाद थिकनिंग एजेंट के अंदर स्टार्च है, स्टार्च के अंदर सम टाइम इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, एज अ सस्पेंडिंग एजेंट बोल के यूज़ किया जाता है स्टार्च को फॉर विस्कस म्यूसिलेज फॉर्मेशन। ए इंग्रेडिएंट ऑफ कंपाउंड ट्रोगा कैन पाउडर, इट इज़ यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ कंपाउंड ट्रोगा कैन पाउडर के अंदर भी हमने स्टार्च एज अ थिकनिंग एजेंट बोल के ऐड किया जाता है। देन सोडियम अल्जिनेट विस्कस सोल्यूशन इन वाटर 1% कॉन्सेंट्रेशन यूज एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, इट शुड बी सोक्ड ओवरनाइट बिफोर यूज। यहाँ पर सोडियम अल्जिनेट को विस्कस सोल्यूशन फॉर्म होता है सोडियम अल्जिनेट का वाटर के अंदर, 1% कॉन्सेंट्रेशन यूज एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, 1 ग्राम डालना है सोडियम अल्जिनेट वाटर के अंदर एज अ सस्पेंडिंग एजेंट बोल के, तो थिकनिंग एजेंट फॉर्म हो जाएगा। इट शुड बी सोक्ड ओवरनाइट और इसको ओवरनाइट के लिए रखना है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आपने समझ में आया थिकनिंग, इसका क्लासिफिकेशन थिकनिंग एजेंट का थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टडी कर लेंगे अच्छे से। फॉर्मुलेशन के अंदर हमने आज देखा वेटिंग एजेंट, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट देखा है हमने, अभी वो रिमेनिंग है, नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिमेनिंग पार्ट हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू गो ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। ओके, थैंक यू।